में गौवंश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता सभी को पता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कम नहीं हो रही। ताजा मामला आगरा के बाईपुर नंदीशाला गौशाला का है, जहां जिला प्रशासन की लापरवाही से 30 से ज्यादा गौवंश पशुओं की मौत हो गई। आपको बता दें कि ताज नगरी में गौशाला में गौवंशों की कब्रगाह बन गया, वहीं गौशाला में दर्जनों गौवंश की रोजाना मौत हो रही है। बता दें कि गौशाला में बेसहारा गौवंश के लिए आगरा नगर निगम ने ठंड से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। चारों ओर भयंकर ठंड की वजह से गौवंश दम तोड़ रही हैं। संवेदनहीनता ये है कि अधिकारी खुद का रूम हीटर और अलाव के जरिए में सर्दी से बचाव कर रहे हैं, लेकिन बेजुबानों के लिए टाट का भी इंतजाम नहीं किया है। दिनेश राज। दिनेश जी बताओ कि जो भाईपुर की गौशाला है, यहाँ पे आए दिन गाय की मौत हो रही, क्या कारण है? कारण ये है सर्दी पड़ रही है और सरकार से कोई इंतजाम नहीं है, और उसके बाद में जो आग की कोई समस्या परेशानी, और ये ठंड की वजह से मर रही हैं। चारा वारा पूरा मिल रहा है क्या? ना चारे की व्यवस्था है, ना आग जीने की व्यवस्था है, ठंड से गाय मर रही हैं। कम से कम 100 गाय मर चुकी हैं। नगर निगम के अधिकारी वगैरह आते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं आते, कभी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई अधिकारी नहीं आता कभी भी, और सर्दी से बस ज्यादा परेशानी है उसको। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था ना, चारे के लिए कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेच देते हैं क्या चारा? अजय तो साहब इनको ही पता होगा, गौशाला वालों को। अब ये कहता हूँ कि सरकार से, योगी सरकार से भी। अच्छा, जैसे आज अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, मीडिया आई है इस वजह से दिखाई दे रहे हैं? और क्या, पक्का? क्या अधिकारी आते हैं, जो भी अभी आते हैं, मीडिया सुनवाई करती है, मीडिया के जरिए से ये लोग जागते हैं, वैसे नहीं जाग पाते हैं, मीडिया आती है, यही आते हैं लोग। बता दें कि आगरा के बाईपुर में एक नंदीशाला और दो गौशालाएं हैं, लेकिन कब्रगाह बने इस आश्रय स्थलों में जब पंजाब केसरी टीवी की टीम पहुंची, तो भयंकर मंजर नजर आया। हालात बहुत बुरे थे, बेसहारा जानवरों के लिए न खाने का इंतजाम है और न ही ठंड से बचाव के लिए कोई इंतजाम है। हाल ये थे कि दर्जनों गौवंश की मौत हो गई थी और उससे ज्यादा गौवंश आखिरी सांस ले रहे थे। गौशाला में मौजूद लोगों ने बताया कि गौशाला में कोई अधिकारी नहीं आता, गौवंशों की मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। जहां कर्मचारी चारे को बेच रहे हैं, अंदर ही गड्ढा खोदकर जानवरों को दफनाया जा रहा है। ये यहां गौशाला में क्या कारण है? कारण यही है कि यहां पे कोई व्यवस्था नहीं है उन पशुओं के लिए, कोई भी न कोई अलाव जलता है, न कोई उनके लिए रहने की व्यवस्था है, न कोई चारा है। भूखे रहते हैं तो बाहर जाते हैं जानवर, बस इसीलिए वो बाहर जाते हैं, ठंड में मरते हैं। ना कोई उनके लिए रहने का कोई, वो घर वर भी है, टीन सेट भी है, सही उखड़े उखड़े से पड़े हैं, कहीं कहीं है, कहीं नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा, इसलिए मौत हो रही है? इसीलिए मौत हो रही है। कितनी हो चुकी होगी, एक हफ्ते की बात की? करीब 100 के 90-100 के करीब, रोजाना दर्जन ऐसे। हाँ, अब तक तो इतने सर्दी में खाने के लिए भटकते हैं तो फिर सर्दी में जाते हैं। वहीं गौवंश की मौत की जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जहां कमिश्नर अनिल कुमार के निर्देश पर जिला अधिकारी, नगर आयुक्त, एसडीएम सदर समेत कई अधिकारी बाईपुर गौशाला पहुंचे, जहां पूरे परिसर में मृत गौवंशों का अंबार था। फिलहाल सभी गौवंशों के शवों को जेसीबी से गौशाला से बाहर निकालकर जमीन में दबा दिया गया और जिलाधिकारी ने मामले की जाँच बात कही। साथ ही कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था कर दी गई है और ठंड से ठिठुर रहे गौवंश के पास अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने जो भी सुविधा दिया गया था, उसका सदुपयोग होने में भी हमारा अधिकारियों का त्रुटि हुआ है। इसमें बार बार, मैं हर बार यहाँ विजिट किया हूँ तो हर बार मैंने यही कहा हूँ कि एक भी कैजुअल्टी होगा तो वो मेरे संज्ञान में आना चाहिए, कि ये इन लोगों ने नहीं दिया है, ये बहुत गलत है इनके तरफ से। और दूसरा चीज़ है, जो चोकर और जो गुड़ सब चीज़ों को हमने यहाँ भेजा गया था, उसमें भी मुझे लगता है कि मेरे कुछ लोगों के माध्यम से भी ये संज्ञान में आए हुए, चोकर भी यहाँ से बाहर ले गया है। ये सब गलत बात है कि इस तरीके की चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसमें शासन के लिए भी चिट्ठी लिख रहा हूँ कि जो भी त्रुटि हुआ है उसके लिए जो अधिकारी है उनको दंडित किया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि जो सरकार की प्राथमिकता बिंदुओं पर यह है और इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने पूरी प्रयास करके जनता के सहयोग से और नगर निगम के सहयोग से और जिला पंचायत के सहयोग से बहुत अच्छा काम यहाँ करने के लिए प्रयास किए। इसके बावजूद भी इस तरीके के कैजुअल्टी होना ये अच्छी बात नहीं है, और इसमें जो अधिकारी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम शासन को लिखेंगे।
यहाँ पे जो लेबर को हम लोगों ने कहा था रखने के लिए, एक तो टॉप आपको देखने से ही आपको एक चीज़ आपके संज्ञान में आ जाता है कि जिन अधिकारियों का ड्यूटी यहाँ लगाया गया है उनका त्रुटि प्रथम दृष्टिया उठ के दिखता है, जिसको मॉनिटर करना चाहिए था, हर दिन आना चाहिए था, जिनका ड्यूटी यहाँ एक एक नंदीशाला में, एक एक गायशाला में हम लोगों ने दो दो अधिकार जो पशु चिकित्सा अधिकारियों को ड्यूटी लगा दिया गया है। बहरहाल इन बेजुबानों की हालत देखकर आपको खुद ही अंदाजा लग गया होगा कि आगरा के जिम्मेदार अधिकारी कितने संजीदा हैं। चाहे कितनी भी कोशिश सरकार द्वारा कर ली जाए, लेकिन अधिकारी तो सर्दी के दिनों में अपने ऑफिस में हीटर के आगे ही बैठे नजर आते हैं। आगरा के बाईपुर स्थित गौशाला में पिछले एक हफ्ते में करीब 100 से अधिक गौवंश की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ के अधिकारी सिर्फ संख्या में हेरा फेरी कर आंकड़ों की बाजीगरी में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि इन लापरवाह अधिकारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण।